उत्तर प्रदेश के बरेली सर्वोच्च नगर थाना सीवीगंज के रहने वाली एक महिला ने अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपना मौर्य पुत्री गंगाराम मौर्य की शादी 2013 में दीपक मौर्य आदिवासी कर्मचारी नगर के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही सपना के घर वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सपना मौर्य की सास चंद्रकला मौर्य का चाल चलन अच्छा नहीं था, जिसका उसके पति दीपक मौर्य विरोध करते थे। सपना के ससुराल वाले उसे गाली गलौज करते हैं और मारपीट कर घर से निकालने की धमकी देते थे। सपना अपने ममेरे भाई के घर दिल्ली चली गई। 4 जून 2022 को सपना के पास उसकी सास का फोन आया कि दीपक को किसी ने जहर दे दिया है, वो अस्पताल में भर्ती है। सपना दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई तो देखा कि उसका पति दीपक मृत पड़ा था। उसने अपने ससुराल वालों पर दीपक की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे घर वालों ने कोई सूचना नहीं दी, नहीं अपनी बहू के लिए सूचना दी, ना हम लोगों को। ये दिल्ली थी, बाहर वालों से पता चला लड़के ने जहर खा लिया। जब हम गए थे तो इन लोगों ने भगा दिया, अस्पताल से देखने नहीं दिया। इसे दिल्ली को सुबह 7 बजे फ़ोन किया, रात के 12-10 बजे ये चली। फिर इसे बुलाया, इसे बुलाया, जब आके हम लोग गए थे तो तब भी इन लोगों ने मुंह नहीं देखने दिया, भगा दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।